जहां कुछ देर पहले ही भीषण आग लग गई। यह आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई थी। दमकल की लगभग 6 गाड़ियां जो है वो यहां पर पहुंची थी। हालांकि अभी आग पर काबू पा लिया गया है। TV9 की टीम आपको जहां पर आग लगी थी वहां पर लेकर आई है। हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि ये वही जगह है जहां पर आग लगी थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी जो है आग पर काबू पा लिया गया है। दिखाएं आपको TV9 का जो कैमरा है वो जहां पर आग लगी थी वहीं पर हम पहुंचे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। हालांकि जब आग लगी तो पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि कोचिंग में 2 बच्चे थे जिनको सही सलामत साकुशल बाहर निकाल लिया गया और कोई जनहानि की जो सूचना है वो नहीं है। हालांकि आग पर अभी तक काबू पा लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि हमने आपको वो जगह दिखाई जहां पर आग लगी हुई थी। हालांकि ये लखनऊ का हजरगंज है जो सबसे पॉश मार्केट कहा जाता है और अभी कुछ दिन पहले ही यही होटल लवाना जो था जिसमें आग लगी थी और जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी ये वही जगह है। सवाल ये उठता है कि हर बार इस ये जो एरिया है इसमें लगातार आग लग रही है लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले होटल लवाना जो कि हजरगंज में था वहां पर भी इसी तरीके की आग लगी थी और फिर हमने आपको दिखाया TV9 की टीम जो है वो वहां पर पहुंची थी जहां पर आग लगी हुई थी। कहा यह जा रहा है कि सुबह के समय शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी लेकिन अच्छी बात ये रही कि यहां पर किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। कैमरा पर्सन शैलेन पाठक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9।